गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा। स्वामी जी सत्संग जी, आज जो हम आप जी के लिए साखी लेकर आए हैं, यहाँ साखी एक ऐसी बहन की है जो कि बहुत ही मेहनत और बहुत ही परिश्रम से अपना गुजारा किया करती थी। वे कभी भी किसी के भी घर कुछ भी मांगने नहीं जाया करती। हालांकि ना तो उनके पास अपना कोई घर था और ना ही कोई उनके पास जमीन और ना ही कोई पैसा था। वह एक झोपड़पट्टी में रहा करती थी। सत्संग जी देखिए, उस कुल मालिक के लिए ना तो कोई अमीर होता है ना ही कोई गरीब होता है। कुछ ऐसा ही इन बहन के साथ हुआ। सत्संग जी, उनको सत्संग में बड़ी ही रुचि थी और परमार्थ की बातों में भी उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। जब कोई उनके समक्ष किसी परमार्थ या किसी सत्संग के बारे में चर्चा करते तो उनको बड़ा आनंद आने लग जाता। सत्संग जी, एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें स्वयं बाबा जी महाराज जी दर्शन देने आए और उनसे कहा कि आप सत्संग में आया करो और सत्संग घर आपके गांव से जो कि जहां रहती हो उससे कुछ ही दूरी पर है। इससे पहले वह कभी भी सत्संग घर को नहीं गई थी और ना ही उनको पता था कि सत्संग घर इधर उधर कहां पर है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ मेहनत और मजदूरी से अपना गुजारा किया करती थी। उनके पास निर्धन होने की वजह से ना तो कोई जाया करता था और ना ही कोई उनसे बातें करता था। लेकिन उस मालिक की रहमत जब हो जाती है तो क्या धनवान और क्या ही निर्धन। वहाँ मालिक जिसके हिसाब यानी कि जिनके किस्मत में आ जाता है उनका हिसाब इस दुनिया से अलग हो जाता है। यानी कि जिसके नसीब में उस मालिक ने स्वयं को लिख दिया हो तो वहाँ कैसा निर्धन, वहाँ तो दुनिया में सबसे बड़ा धनवान कहलाता है। कुछ ऐसा ही उन बहन के साथ हुआ। सत्संग जी, उनकी रुचि सत्संग में किस प्रकार से हुई? वह जब मेहनत मजदूरी में जाया करती तो वहाँ उनको कई महिलाएं जब मेहनत करते हुए मिलती थी तो वे अक्सर परमार्थ और सत्संग के बारे में चर्चा किया करती थी। अब उनको उस चर्चा में बड़ा ही रस आने लगा और उन बहन के मन में भी एक बार के लिए विचार आया कि काश हे मेरे मालिका, मुझे भी इतना लायक बनाया होता कि मैं भी इनके साथ सत्संग घर को जाया करती और मैं भी उस मालिक के रूहानी विचारों को, अनमोल सत्संगों के वचनों को सुन पाती और संगत जन के दर्शन कर पाती। सत्संग जी, यह मन में उसके विचार चल ही रहा था। अब हर रोज जब मेहनत मजदूरी को जाती तो वहाँ उन बहनों की बातें बड़े ही प्रेम प्यार से सुनती। अब कुल मालिक की दया ऐसी हुई कि उसको उस परमार्थी विचारों में, उन साखियों में, उन बातों में जो कि वह अन्य महिलाएं करती रहती थी, उन चर्चा में उसको बड़ा ही रस आने लगा, आनंद आने लगा। यानी कि मालिक की जो रूहानी बातें थी उनके प्रति उसका मन खिंचता ही चला जा रहा था। मानो उस रब की कोई पिछड़ी हुई रूह है जिसे मालिक किसी के जरिए अपना बनाना चाहता है, अपने से मिलाना चाहता है, सत्संगर को बुलाना चाहता है। तो सत्संग जी, कई दिनों तक वह बहन उन महिलाओं के साथ जो मेहनत मजदूरी में जाया करती थी वहाँ धीरे धीरे करके उनसे सत्संग, परमार्थ, सेवा, भजन, सुमरन और गुरु दर्शन के बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। अक्सर हमने देखा है कि जैसे हम संगति करते हैं हमारा माहौल और हमारी दिशा कार्य करने की वैसी ही हो जाती है। तो उन बहन को तो बड़ी ही रुचि आने लगी और परमार्थ में वह रुचि लेने लग गई। अब हर एक सवाल जैसे ही वह उन बहनों से करती तो उनका जवाब उस बहन को मिलना शुरू हो गया कि परमार्थ क्या है, भजन सुमरन से क्या होता है, गुरु दर्शन से क्या होता है, वो सत्संग क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, हमारे जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है, सभी बातें उनसे करने लगी। तो जो वो महिलाएं जो कि सत्संग में जाया करती थी अब वह कुछ सवालों के जवाब तो दे पाई और कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उनके पास भी नहीं था। सत्संग जी, अब वह बहन जो कि चार पांच महिलाएं थी वे सभी कहने लगी कि यह सवाल के जवाब तो कोई पूर्ण संत महात्मा ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि यह सवाल जवाब तो वही कर सकता है जिन पर कुल मालिक की दया मेहरो। सत्संग जी, हम अगर सोचे और विचार करें कि आखिरकार उनने जो बहन थी उन्होंने एक दो सवाल ऐसे क्या पूछे होंगे कि जिनके जवाब उनके पास भी नहीं थे। तो सत्संग जी देखिए, सवाल ऐसे होते हैं जो कि
अंदर की कमाई करने वाले होते हैं जो उस मालिक से मिलना चाहते हैं, उन्हीं के मन में यह सवाल उठते हैं और उन्हीं के जवाबों को देने के लिए कुल मालिक सृष्टि पर आते हैं, ताकि वह अपने भटकी हुई जीव आत्मा को अपने से मिलाकर सदा सदा के लिए उस मालिक की शरण में लगा दे। तो सत्संग जी उन बहन ने अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी हम रूहानियत से जुड़ते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन बहन जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सबसे बड़ा अगर दो सवाल उन्होंने खास पूछे तो वो यह थे कि पहला तो ये कि क्या गुरु हमें मुक्ति दिला सकते हैं, और यदि मुक्ति दिला सकते हैं तो गुरु के जो स्वरूप है क्या हमारे अंदर बिना भजन सुमरण के हम उनको देख सकते हैं, या फिर उनसे नामदान लेना जरूरी है। अब सत्संग जी इसका जवाब उन महिलाओं के पास नहीं था जो कि अक्सर सत्संग जाया करती थी, लेकिन जो बहन की सिर्फ परमार्थ की बात सुनकर, सत्संग के वचनों को सुनकर उसके अंदर इतनी गहराई के विचार पनपने लगे कि ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगी मानो किसी के पास जवाब ही ना हो केवल गुरु के सिवाय। तो सत्संग जी उस मालिक की दया मेहर बड़ी अपरंपार होती है। हाल ही में कुछ दिनों के बाद बाबा जी महाराज जी का भंडारा होना था मेजर सेंटर पर, उस कुल मालिक की दया मेहर से वहां बहन जो कि अभी हाल ही में कभी सत्संग में गई ही नहीं थी, बस केवल जब मेहनत मजदूरी के लिए जाती तो उन बहनों के साथ सत्संग और परमार्थ की चर्चा कर लिया करती थी। अब उस मालिक की दया मेहर देखिए जरिया कहां से कहां बना देता है उससे मिलाने का। हुआ भी यूं कि बाबा जी महाराज जी का हाल ही में कुछ समय के बाद भंडारा आने वाला था, तो उन बहनों ने उस बहन से कहा कि बाबा जी महाराज जी का सत्संग है, वहां सवाल जवाब भी होंगे, दर्शन भी होंगे और सत्संग सुनने को भी मिलेगा, तो आप कोशिश करें कि हमारे साथ चलने का प्रयास करें। तो वह बहन कहने लगी, बहन मैं जरूर कोशिश करूंगी और अभी लगभग 15 से 20 दिन है तो मैं इतनी मेहनत कर लूंगी कि मेरे पास इतने रुपए पैसे हो जाए ताकि मैं वहां चल सकूं और सत्संग सुन सकूं, दर्शन कर सकूं। सत्संग जी अगली कड़ी सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आप भी कहोगे कि वह मालिक जरिया जो बनाता है वह दाता दयाल कोई आम या छोटा मोटा जरिया नहीं बनाता, बड़ा ही मजबूत बनाता है। या तो वो अपनी तरफ किसी को बुलाता ही नहीं, और जब बुलाता है तो इस कदर बुलाता है कि उसके अंदर की जो रूह, जो आत्मा, जो मन है सभी को एक केंद्रित करके, पूरा ध्यान इकट्ठा करके अपनी रूह को अपने प्रति प्रेम और विश्वास से भर देता है। ऐसा ही उन बहन के साथ हुआ। तो उन चारों महिला ने कहा, बहन आप बिल्कुल भी पैसों की फिक्र ना करें, हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन वह बहन ढेरी मेहनत और मजदूरी करने वाली और अपनी मेहनत की रोटी खाने वाली, परिश्रम करने वाली और ईमानदारी से कमाई करने वाली, तो उसने बोला कि नहीं बहन, जाऊंगी तो अपनी मेहनत के पैसों से जाऊंगी, अगर उस कुल मालिक को बुलाना ही है तो जरूर मेरी मेहनत और मेरे रंग और मेरी जो परिश्रम की कमाई है उसको ही देखकर बुलाएंगे। तो सत्संग जी वह तो लगी हर एक दिन मेहनत मजदूरी में जाने, और बस इसी शौक से जाती, इसी खुशी से जाती और इसी को मद्देनजर रख कर जाती कि मुझे सत्संग घर को जाना है, इसके लिए मुझे कुछ धनराशि इकट्ठी करनी है। सत्संग जी समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ ही समय के बाद बाबा जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा विशाल भंडारा आ गया, और बाबा जी महाराज जी ने उन सभी के लिए जो कि संगत आती है बड़ी ही उत्तम व्यवस्था करवाए रखी थी, प्रसादे की, खीर की, जो भी सब्जियां वगैरह, जो अचार है, तरह तरह के लंगर में सभी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हर एक संगत के लिए करवाते हैं बाबा जी महाराज जी। कभी भी किसी प्रकार की कोई को भी शिकायत सुनने को नहीं मिलती। हमारे कुल मालिक हमारा बड़ा ही ध्यान रखते हैं। जब हम लंगर को घर जाते हैं या फिर सत्संग सुनने के जाते हैं, जहां हम ठहरते हैं सभी जगह बड़ा ही हमारा ध्यान रखा जाता है। सत्संग जी तो वह बहन भंडारे में उन सभी के साथ जाने ही वाली थी। उसके दो दिन पहले बाबा जी महाराज जी उस बहन जो कि अभी सिर्फ झुग्गी झोपड़ी में रह रही थी, वहाँ आज तक ना तो बाबा जी महाराज जी को देखा था और ना ही वहाँ बाबा जी महाराज जी की सूरत को पहचानती थी और ना ही कभी सत्संग घर को गई थी, लेकिन जाने के दो दिन पहले ही उस बहन के सुबह सवेरे
नींद में एक सपना आता है और एक धोली पगड़ी बांधे हुए सफेद कपड़ों में एक सरदार जी आकर इतनी चमक और इतना नूर बरस रहा था उसके चेहरे से। वह कहते हैं, क्यों बहन, अब तो ठीक है ना? अब तो तेरे आने का पूरा प्रबंध हो गया है ना? अब तो तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है? अब तो तू खुश है ना? और जल्दी से आना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ और जरूर तेरे हर एक सवाल का जवाब देंगे। और आज से हर एक दुख परेशानी, हर एक तकलीफ, कोई भी समस्या है वो अब तेरी नहीं, आज से मेरी रही। सत्संग जी, यह तड़प, यह प्रेम और यह विश्वास ही तो हमें बताता है कि वह कुल मालिक हर एक क्षण हमारे अंग संग है। सत्संग जी, जब उसकी एकदम से आँख खुली तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं है। सत्संग जी, कुछ समय के बाद, जब एक दो दिन के बाद वहाँ डेरे गई तो वहाँ जब बाबा जी महाराज जी को देखा तो वहाँ हैरान हो गई और उनके दर्शन पाकर दोनों हाथ जोड़कर वहाँ रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। आप जी कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? ये तो हर एक सत्संगी भाई बहन के साथ होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि बाबा जी महाराज जी को देखने के बाद आंसू ना आए? तो सत्संग जी, भावना की बात है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस बहन को खास करके रोना तो इसलिए आया कि उसने आज तक बाबा जी महाराज जी को नहीं देखा था, लेकिन जो उनके स्वप्न में आए थे वही कुल मालिक आज उनके सामने खड़े थे। यहाँ दृश्य देखकर वहाँ एकदम से चौकन्ना हो गई और हैरान हो गई कि हाँ, कुल मालिक तो वही हैं जिन्होंने मुझे नींद में आकर सपने में दर्शन दिए थे और मेरी संभाल को बोला था। तो सत्संग जी बड़ी खुशी खुशी से उसने कुल मालिक का शुक्रिया अदा किया, उनके दर्शन किए और सवाल जवाब के सेशन में भी उस बहन की पर्ची खुल गई और बाबा जी महाराज जी से सवाल जवाब करने का मौका भी उन्हें मिल गया। तो सत्संग जी, उन्होंने आज बाबा जी महाराज जी से अपने मन में जितने भी सवाल और जवाब थे वह पूछने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाबा जी महाराज जी को सामने बैठा पाया तो कितने जो सवाल उनके मन में चल रहे थे, जो भी विचार उनके मन में चल रहे थे, मानो सब शांत हो गए, सारे सवाल समाप्त हो गए। सत्संग जी, अब बाबा जी महाराज जी के पास वह बहन सामने खड़ी हुई और बोलने लगी, बाबा जी आज से मेरा कोई भी सवाल और जवाब बाकी नहीं रहा, मैं पूर्ण रूप से शांत हो गई और ना ही मेरे मन में अब कोई विचार रहा। बाबा जी महाराज जी को देखकर वह बहन रोने लगी और बार बार बस एक ही बात बोलने लगी कि हे मेरे दाता दयाल, आपका शुक्रिया जो मुझे इतने लायक समझा और मुझे अपना लिया, आपका शुक्रिया। सत्संग जी, यह कहते हुए वह बहन रोने लगी, वह बहुत रोई। तो बाबा जी महाराज जी ने उसे समझाया और कहा, बेटा जिंदगी में कभी भी दुख और मुसीबत से घबराना नहीं, क्योंकि सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा होता है और जो भी हमें कुछ मिला होता है वह हमारे अपने कर्मों का होता है। या तो अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं इन कर्मों का हिसाब किताब, या फिर कोई पुरानी हिसाब किताब जो कर्मों के रहते हैं वह हम देने आते हैं। लेकिन अगर वह कुल मालिक हमें अपना बनाना चाहता है, वह कुल मालिक हमें अपने से मिलाना चाहता है, तो वह कोई ना कोई जरिया हमारी जिंदगी में उससे मिलाने का पहुंचा ही देता है। तो जिंदगी में अब कभी हिम्मत ना हारना बेटा, और उस कुल मालिक के बहाने में रहकर उस कुल मालिक पर भरोसा करना, जो भी होगा अच्छा होगा। तो सत्संग जी, वह बहन बाबा जी महाराज जी के दर्शन पाकर, सत्संग सुनकर और उनसे सवाल जवाब का मौका मिलने का जो एक उसके जिंदगी में वह समय आया, मानो उसके लिए तो तीनों जहां इस धरती पर आ गए और वह कुल मालिक स्वयं उसे दर्शन देने आ गए। तो सत्संग जी, यह साखी हमें क्या ही सीख दे रही है? आप जी ने पूरी साखी को सुना तो हमें क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा यह है कि वह मालिक कभी भी अमीरी, गरीबी, दुख, सुख या हानि या लाभ से परे है। वह कभी नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितना तो धन है और कितने तुम निर्धन हो। वह कभी नहीं देखता कि तुम सुख में उसे पुकार रहे हो या फिर दुख में उसे याद कर रहे हो। वह कभी नहीं देखता कि तुम्हारा कितना बड़ा नाम है या तुम कितने
निर्धन और कितने कम नामी हो, यानी कि आपकी कोई पहचान नहीं है। वहाँ कभी ऐसा नहीं देखता, ना कभी जात देखता है, ना कभी मजहब देखता है, ना ही धर्म देखता है। वहाँ तो देखता है हमारा प्रेम, हमारी भावना और हमारा समर्पण उस मालिक के प्रति कितना है। यदि हमें एक रही के दाने के बराबर भी उस मालिक पर विश्वास आ गया तो हम उसी दिन से उस मालिक के हो गए और वह मालिक हमारा हो गया। तो बाबा जी महाराज जी ने देखिए उस बहन के अंतर मन में आकर दर्शन दिए, जिसने कि आज तक कुल मालिक को देखा तक नहीं था। तो सत्संग जी देखिए, हमें तो कितने दिन हो गए, कितने सालों हो गए बाबा जी महाराज जी के बाहरी दर्शन करते करते, कितने उनके सत्संग सुन लिए, कितने उनके सवाल जवाब के प्रोग्रामों को अटेंड किया, लेकिन उसके बाद भी हम खाली के खाली रहे। क्यों? क्योंकि हमने हमारा बर्तन कभी भी उस मालिक की जो अनमोल दात थी, जो कि भजन सुमरन, उसको करके भरा ही नहीं। आज भी हम इस बात का घमंड करते हैं कि हम तो नामदानी हैं, हमें तो नाम मिला हुआ है, हम तो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं या धर्म से जुड़े हैं। हालांकि बाबा जी महाराज जी ने पहले भी समझा दिया है कि राधा स्वामी ना तो कोई पंथ है, ना ही कोई धर्म है, या तो एक रूहानियत की ऐसी परंपरा है जो कि हमें मालिक से मिलाती है। तो हम इस बात का अहंकार क्यों करते हैं कि हमारे तो वो गुरु हैं, हमें तो वहां जुड़ना है। सत्संग जी देखिए, यदि कुल मालिक ने हम पर दया मेहर करके हमें अपनाया है, हमें वह दौलत दी है, तो हमें उसकी कद्र करनी है, उसकी मेहनत करनी है और उससे हमारा जो अंदर खालीपन है उसको भरना है, यानी कि भजन सुमरन करना है। तो अब कुल मालिक हमें क्यों दर्शन नहीं देगा? ज़रूर देगा। और असल दर्शन तो अंतर में होते हैं, जो कि बाबा जी महाराज जी ने हर समय, हर वक्त और हर एक पल हमें देने हैं। वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भटक रहे हैं, बाहरी दर्शनों को सब कुछ समझ कर बैठ गए हैं। बाबा जी महाराज जी ने हाल ही में उस सवाल जवाब में भी बहुत समझाने की कोशिश की है कि बेटा, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि गुरु की गाड़ी दिखे तो उसके पीछे भागना, गुरु अगर दिखे तो उनके कपड़ों को हाथ लगाना, गुरु जहां से निकल जाए उनके धूली, चरण धूली जो रहती है उसको माथे लगाना। बेटा, इनमें रूहानियत नहीं है। असली रूहानियत, असली दीदार, असली दर्शन अगर कुछ करना है तो अंतर मन में करना है, वह सच्चे दर्शन है, वरना हम खाली के खाली रह जाएंगे और बाहर उलझे ही रहेंगे, कभी हम अंदर उस मालिक से जुड़ ही नहीं पाएंगे। असल रिश्ता उस मालिक से हमें अंदर जुड़ना है। तो सत्संग जी, यह साखी आपको कैसी लगी? अगर साखी अच्छी लगी हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप सदगुरु प्यारे चैनल के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। शुक्रिया, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें, और कल रविवार है, आप जी जरूर सत्संग में जाएं जी। शुक्रिया, टेक केयर।